हेलो दोस्तों नमस्कार। आज जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं उस टॉपिक का नाम है लर्न फ्रॉम मिस्टर शुभंकर मिश्रा। जी हाँ दोस्तों, आप मिस्टर शुभंकर मिश्रा से बहुत कुछ अपने जिंदगी में सीख सकते हैं। एक यूथ है, एक युवा के लिए एक आइकन है। जी हाँ दोस्तों, यह टॉपिक बहुत रिसर्च करने के बाद आपके लिए लेके आया हूं और मुख्य 3 पॉइंट आपको बताऊंगा जो आप अपने लाइफ में उनके बारे में जो वो करते हैं वो आप जिंदगी में उतार लिए तो एक आपको जिंदगी में एक नया मुकाम, एक नया रास्ता और एक सही रास्ता मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें सबसे पहला है डिसीजन टेकिंग। जी हाँ दोस्तों, जब आज तक उन्होंने छोड़ा लगभग 1 साल पहले और उसके बाद एक नया करियर स्टार्ट किया यूट्यूब पे, उस समय उनके लिए आसान नहीं रहा होगा जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, उनके लाइफ में उनके अपने कुछ होंगे, बहुत सारे समझाए होंगे कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, फिर भी उन्होंने ऐसा डिसीजन मेक टेकिंग लिया और अपने लाइफ में आपने देखा कि 1 साल में बहुत आगे ग्रोथ किया और पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट, पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट करते करते अब एक नया नाम हासिल किया है उन्होंने एक मीडिया में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं यह डिसीजन टेकिंग का इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि छोटी छोटी कंपनी में जो काम करते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ मैनेजर हो गए, कुछ स्टाफ हो गए, या छोटे कॉर्पोरेट ऑफिस में आपने देखा होगा इस तरह के जो एम्प्लॉय होते हैं, काम करते हैं, वह अपनी नौकरी बचाने के लिए चमचागिरी, चापलूसगिरी करना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरा कुछ जॉब कुछ दिनों यहाँ आगे और कट जाए, कुछ और आगे कट जाए, कुछ और आगे कट जाए। लेकिन आप मिस्टर शुभंकर मिश्रा से ऐसे सीख सकते हैं कि देश के नंबर वन आज तक ऐसा प्लेटफॉर्म है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे नंबर वन प्लेटफॉर्म है एक काम करने के लिए मीडिया और कम्युनिकेशन में, और हम लोग बहुत आज तक सुनते भी हैं और देखते हैं, पूरा हिंदुस्तान बहुत दिल से वह न्यूज़ सुनता है। फिर भी वैसे जगह पे वो काम करते थे लेकिन उनका फ्यूचर, उनका कुछ एक नया करने का कुछ काम तरीका अलग था, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया और आज तक में रिजाइन किया और अपने लाइफ में 1 साल से ज़्यादा हो गया उनको आज तक छोड़े हुए और एक अच्छा मुकाम हासिल करके उन्होंने दिखाया। जी हाँ दोस्तों, अपने आप पे भरोसा हो तो लोग क्या नहीं कर सकता है, तो एक यूथ के लिए एक बहुत ही अच्छा है जो आप उनसे चीज़ सीख सकते हैं। और दूसरा जो जो सबसे अच्छा उनसे आप सीख सकते हैं मिस्टर शुभंकर मिश्रा से, जो कि एकदम फिट फाट रहना। जी हाँ दोस्तों, एकदम टिच टॉच, जैसे एकदम अभी अभी एकदम शादी करने के लिए जा रहे हैं उस तरह से वह तैयार होकर के पॉडकास्ट के लिए बैठते हैं और भगवान ने उनको काफी सुंदर बनाया है, फिर भी अपने सुंदरता को और निखारते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि जिनका हम पॉडकास्ट लेते हैं वह एक देश का बहुत होनहार और एक लाजवाब हमारे सामने बैठते हैं, उनके सामने में हमारी जो कुछ फीकी ना पड़ जाए, नेचुरलता या फिर सुंदरता या फिर दोनों एक सुंदर बढ़िया सामने में देश में दिखे, मतलब जितना आप अच्छे कपड़ा पहनेंगे, जितना आप फिट फाट रहेंगे, जितना आप सुंदर दिखेंगे उतना देश आपको देखेगा, उतना आप देश मतलब कि अच्छे से आपको चाव से सुनेगा। जी हाँ दोस्तों, तो एक फिट फाट हो जैसे वो रहते हैं, पॉडकास्ट करते हैं या कहीं इंटरव्यू लेते हैं, तो यह चीज़ आप उनसे सीख सकते हैं कि आप अपने लाइफ में कितना फिट फाट और कितना सुंदर दिख सकते हैं आप अपने काम के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, और तीसरा जो सबसे मुख्य पॉइंट है जो आप उनसे सीख सकते हैं कि मीठी बातों से प्रहार करना। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसे तो हर जो मीडिया वाले होते हैं वो मीठी बातों से ही प्रहार करते हैं, लेकिन इनका एक कुछ अलग नया अंदाज है सामने वाले से क्वेश्चन करने का। क्योंकि मैं इनका पॉडकास्ट देखता हूं और आप लोग भी देखते होंगे तो आपने देखा होगा कितनी मीठी क्वेश्चन का रहता है, मतलब अंदर से वो बहुत तीखा रहता है लेकिन उस तीखे में इतना मीठापन होता है, इतना अच्छे से इतना सुंदरता से यह क्वेश्चन करते हैं सामने वाले को कि सामने वाले हंस हंस करके उस बातों को जवाब देता है और सही जो सही जवाब होता है वह सामने निकल के आता है। और हम लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, सामने पॉडकास्ट करते हैं और एक नया यूथ को एक आइकन मतलब बनाने का प्रयास करते हैं, एक नया युवा पीढ़ी को। जी हाँ दोस्तों, आप उनके वीडियो तो ऐसे सुनते ही होंगे और यह चीज़ आप जानते भी होंगे अच्छे से, लेकिन जो मैं रिसर्च करने के बाद काफ़ी उनके बारे में पढ़ा, देखा, समझा, आखिर उनमें क्या काबिलियत है, क्या खासियत है, जो यह सबसे 3 मुख्य चीज़ हमको लगा जो आपको हम बताएं, जो पहला है डिसीजन टेकिंग, दूसरा कि सुंदरता दिखना, एकदम टिच टच एकदम फिट फाट रहना,
और तीसरा है मीठी बातों से प्रहार करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक यूथ है, एक नया करियर की तलाश कर रहे हैं, एक नया तरक्की का रास्ता देख रहे हैं फ्यूचर में, तो यह चीज तीन चीज आप अपने जिंदगी में उतार सकते हैं। आप अपने करियर के हिसाब से तो एक नया मुकाम आपको मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।